ओह माय गॉड, हियर इज द बिहार सेक्शन, सबसे बेस्ट है बिहार सेक्शन पूरे कानपुर का। जो यहाँ पे चल रहा है मेरा ब्रेकफास्ट और सामने चल रहे गाने, पुराने गाने सनम के वो तेरी याद में। Hey guys, good morning, welcome back to my YouTube channel। कैसे हैं आप सभी लोग? तो सुबह सुबह हो रही है पुराने गानों से और अपने ब्रेकफास्ट से। तो आज हम लोग जा रहे हैं रेव 3, जैसे आपसे प्रॉमिस करा गया था। पिछली बार हम जा नहीं पाए थे, लेकिन आज हम जाएंगे रेव 3 जहाँ पे VR गेमिंग आई है। तो VR गेमिंग एक्सप्लोर करना है भाई, और उसके बाद कानपुर का जो पहला जो मॉल है उसको भी देखना है, वही है रेव 3। और हमारे कुछ प्यारी प्यारी आंटियां हैं, वो कह रहे हैं भैया वॉशिंग मशीन तो ले आए, दिखा तो दो। आंटियां भी कह रही थी, अपने बहने भी कह रही थी, तो हमने कहा आज कपड़े धो के ही दिखा देते हैं। हमने कहा वॉशिंग मशीन भी क्या दिखाना, हर घर में एक जैसी वॉशिंग मशीन है और सबको मालूम है कि वॉशिंग मशीन फ्री में मिली है। अच्छा, फ्री में कैसे मिली है वो आपको ब्लॉग मिल जाएगा, चैनल पे आप देख लीजिएगा, हम थंबनेल लगा देंगे। चलिए फिर आपको वॉशिंग मशीन दिखाते हैं, एक झलक दिखाते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं रेव 3 आज घूम के आते हैं। VR गेमिंग मतलब पूरे इंडिया में पहली बार जो VR गेमिंग आई वो कानपुर में आई है, ऐसा बताया जा रहा है। चलिए देख के आते हैं कैसी है। तो गाइस, ये रही हमारी वॉशिंग मशीन जो हम लोग लेके आए थे। क्या नया है यार, वही तो है सारी चीजें, मगर हमारी कुछ आंटियां कुछ बहने कह रही थी दिखाओ तो ये देख के पहलवानी। चलिए फिर शुरू करते हैं, क्या दिखाना है इसमें। ये प्लग है, ये बटन है, हाँ ये है कि हाइड्रोलिक है, इसमें ये अलग नहीं होता। ठीक है, ये कपड़े हैं, 9 किलो की है ये, जो कि मम्मी 13,000 रुपए में लेके आई है। 16,000 वाली मशीन 13,000 में लेके आई है। ये देखिए, ये है आपका क्या बोलते हैं, हाँ ड्रायर। ठीक है, तो कुछ ऐसा है इंटीरियर, बढ़िया है, ठीक है, अच्छा। ये देखिए, ये दुबारा से प्लग टांग दिया गया है, और अब जाएंगे कपड़े धोने और फिर चलेंगे रेव 3। सुबह सुबह नहीं चलेंगे, दोपहर में चलेंगे खाना खाने के बाद। कपड़े उल्टे करने, हाँ 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 सही कह रही, कपड़े अगर खराब नहीं करने हैं तो कपड़े उल्टे करके धोइए। चलिए पहले उल्टे कर लेते हैं। अब क्या करना है, कपड़े धो के भी दिखाना है क्या? नहीं ना, ठीक है। तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं रेव 3 जाने के लिए, और एक हम मम्मी के साथ प्रैंक करने जा रहे हैं कि मम्मी हम अकेले नहीं जा रहे हैं, एक लड़की भी जा रही है। मम्मी का रिएक्शन देखते हैं, और लड़की का नाम क्या होगा, पूजा, काजल, रिया, हाँ रिया, कोई दिक्कत नहीं रहा, एक मिनट, चलो कोई अपनी बात नहीं सुन रहा। और अब हम लोग जा रहे हैं रिया के साथ रेव 3 मम्मी के लिए, वैसे हम अकेले जा रहे हैं, आपको तो मालूम है यार हम अकेले ही जाते हैं, और जब किसी को लेके जाते हैं तो कैमरा नहीं लेके जाते हैं। समझ रहे हो ना, अब जा रहे हैं क्या? अरे लेके हम अकेले थोड़ी जा रहे हैं, एक हमने दोस्त को बुला लिया हमने, तो हम लोग चलेंगे ना, चलेंगे। अरे अब एक लड़की है उसको हम लेके जा रहे हैं, रिया जा रही है, रिया कौन कॉलेज की लड़की है, वो भी कह रही थी जाने के लिए, हम चलो। चलो अरे यार, अरे यार बोला रिया जा रही है, अब आपको कहाँ ले जाए, उसको बुरा लग जाएगा। कौन रिया है, अरे हम लोग चल रहे हैं, नहीं आप ना जाइए, जाना तो अकेले जाओ, नहीं तो कोई नहीं जा रहा। अरे बहुत दिनों से कह रही, कॉलेज की बहुत अच्छी दोस्त है, दोस्त है क्या है, पोस्ट। रिया का नाम लिया, मम्मी कह रही हम भी चल रहे हैं, चल जल्दी उठिए, फिर जल्दी उठिए, टाइम नहीं है। हाँ लड़की का नाम सुनकर पूरा घर चल रहा है। चलिए जल्दी चलिए, कोई लड़की लड़की नहीं जा रही, हम प्रैंक हो रहा था, और अब हम लोग जाएंगे रेव 3। मम्मी जल्दी तैयार हो जाएगा, टाइम नहीं बिल्कुल नहीं है, 4 बज रहा है, 5:30 बजे अंधेरा हो जाएगा। क्या जींस पहननी, वो लड़की जो रिया की बात हो रही थी, अब वो मम्मी अब रिया बनेगी। अब आज एक सीक्रेट पता चला कि अगर मान लो कहीं फैमिली को ले जाना हो, फैमिली ना जा रही हो, तो लड़की का नाम ले दो, फैमिली अपने आप तैयार हो जाएगी। हमारे रिया भाई आ गई, रिया मतलब रिया बहन नहीं, रिया गर्लफ्रेंड आ गई। आज लग रही मम्मी आमिर की मम्मी। झोला 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 काहे के लिए, अरे बस पन्नी पन्नी लेनी पड़ेगी ना, काहे की पन्नी, सब्जी ले लेंगे ना कल्याण। तो ये रहा कंपनी बाग, और कंपनी बाग से जहाँ पे एंट्रेंस है, अब एंट्रेंस से अंदर जाएंगे। पहले हम लोग जा आ रहे थे स्कूटी से, फिर मम्मी लोग आ गई, तब कार्ड लेके आना पड़ा, गार्ड इंतजार कर रहे हैं कि ये लोग आए और पार्किंग की टिकट हम काटे। अब मैं फुल प्लानिंग करेंगी कैसे पार्किंग टिकट बचानी है। स्टाफ, पुलिस स्टाफ, कार्ड, कार्ड हम लोग पास रहता है, कार्ड हम लोग सर लोग पास रहता है कितने पैसे निकाल दे। देखिए आपकी जेब से नहीं कटना चाहिए, आपने इतनी बड़ी बात कह दी, सारे नौकरी कर रहे हैं, इनकी जेब से नहीं कटना चाहिए। कितने टाइम के बाद आ रहे हैं, वो खुद नहीं जा रहे। हमारे घर से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। हम यहाँ पे आ रहे हैं 20 साल के बाद, ऑब्वियस बात पहली बार आ रहे हैं, उम्र 20 साल है मेरी,
20 साल के बाद ही आ रहे हैं। पूरे जमाने में घूमेंगे मगर जो पास्ट में जो चीजें हैं वो कभी नहीं जाएंगे। आज पहली बार जा रहे हैं, देखते हैं कैसा लगता है। दूसरी बार नहीं, नहीं हम पहली बार नहीं आए हैं मगर जब याद ही नहीं है, जब याद ही नहीं है कि कैसा दिखता और किस काम का आना। मेरे लिए तो पहली बार हुआ, हाँ रात में। चलो अब कायदे घूम लेंगे, एक एक मेमोरी छाप लेंगे। तो ये है रेपचरी का एंट्रेंस, यहाँ से अंदर जाएंगे और उसके बाद काफी खाली खाली लग रहा है। यहाँ पे सामने बैलेंजिया, फिर अपना बॉडी पावर, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज एंड मैनी मोर थिंग। हाँ वी आर की बात कर रहे थे हम लोग, ये रहा वी आर गेमिंग जिसकी बात हो रही थी, जो पर्पस था मेरा आने के लिए। मम्मी अपना लगने अपने काम पे सामने जा रहा अपने वीआर गेमिंग के लिए। हेलो हर भी क्या हो गया, पापा की परी ने भीड़ दी। हेलो ओ माय गॉड, हियर इज द वीआर सेक्शन, आयरन मैन स्लाइडर, फूड इन जॉयस्टिक, रैपलिंग योर रोलर कोस्टर, एंड द लास्ट वन इज द डेड फ्रीजन मल्टीप्लेयर गेम। इज लाइक अ हम गेम के अंदर आ गए। क्या बात है, पूरा प्लेटफॉर्म आएगा। और हमने ये भी सुना है कि कानपुर में सबसे पहले आया है, सबसे पहले आया है, सबसे बेस्ट है वीआर सेक्शन पूरे कानपुर का। इसके अलावा आपको कहीं भी बेस्ट नहीं मिलेगा, बहुत बढ़िया विद गारंटी। इट्स अ प्राउड मोमेंट। तो अच्छा जी बताइए, यहाँ पे मतलब अगर किसी को आना है और ये सब ट्राई करना है, हाँ, उसके तो लिए आपको कार्ड बनवाना पड़ता है। अच्छा, कार्ड का कोई मेंबरशिप कोई कुछ प्राइस नहीं है। आपका बेसिक कार्ड बनेगा 500 से, जितना आपको 500 की वैल्यू मिल जाएगी। जी जी, 1000 का बनवाएंगे आपको वैल्यू मिलेगी 1100 की। फिर जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आपके गेम्स, और पर गेम की वैल्यू क्या है, पर गेम्स की वैल्यू आपकी है 250-350 पर हेड। अच्छा, तो अगर हम एक कार्ड बनवाते हैं 1000 का तो सारे ट्राई हो जाएंगे? सारे तो नहीं हो पाएंगे, सारे नहीं हो पाएंगे। रिचार्ज करा से कराने जाएं, हो जाएंगे रिचार्ज भी? सेम प्रोसेस रहता है 500, 1000, 2000। क्या बात है, और ये रिचार्ज कहाँ पे होगा, मतलब कैसे क्या बनेगा? ऑप्शन है ऊपर। अच्छा ऊपर है, ऊपर भी गेम्स हैं, मतलब ऊपर बर्थडे पार्टी चल रहा है उसमें मैं। जी जी, तो हम एक बार ये देख सकते हैं अंदर जाकर? हाँ आराम से आप आए आपको मैं दिखा। जी जी, ये हमारा मुझे डाउन अप करना होता है रिलोड करने के लिए, फिर शूटिंग होती है। ये वीआर है, मुझे इसमें वीआर में देखना होता है, फिर उसमें मुझे शूट करना होता है। इस समय बहुत बढ़िया, मतलब एक नया एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोग हैं जो अब इसके बारे में जानते नहीं है, बिल्कुल नहीं जानते है ना। जी, यहाँ पे खड़े होकर हमें मन कर रहा है कि ट्राई करें, तो ऊपर जा रहे हैं अभी कार्ड बनवा लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, खेल के दिखाते हैं क्या एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, थैंक यू। चलिए फर्स्ट फ्लोर, और ये है रेपचरी का गेमिंग सेक्शन। यहाँ पे आपको पूरा रेस्टोरेंट है, यहाँ पार्टी आप कर सकते हैं, ये गेमिंग सेक्शन भी है। क्रेजी क्राउड, ओह माय गॉड, इट्स अमेजिंग यार, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या कहती है पब्लिक, पार्टी यही करी जाए अपने बर्थडे की? ये वाला जो चार्ट है ये आपका गेमिंग का है, बेसिक है, बेसिक बी, सिल्वर, गोल्ड, 500 रुपए पे, 500 गेट है, 5000 पे, 5750 गेट है। ये भाई बहुत कमाल का। क्या कहते थे नाम भाई, हॉवरबोर्ड। हम लोग आ गए ग्राउंड फ्लोर के नीचे, यहाँ पे आए पेंटलून्स में, अब मम्मी यहाँ पे पसंद करेंगी, और ब्लैक जीन्स तो हमको चाहिए 500 रुपए वाली। तो अगर मिलेगी तो ले लेंगे, नहीं अगर वाकई में क्वालिटी अच्छी मिली तो फिर बढ़ा लिया जाएगा, साइज बढ़ा लिया जाएगा, पैसे का। क्या वो पसंद आया कुछ? पसंद
पसंद तो बहुत अच्छे, जैसे आप कपड़े पसंद करते हैं यहाँ सब वही कपड़े हैं, मतलब में ऐसे ही हम कपड़े पसंद करते हैं, बहुत प्यारा लग रहा है। चलो ले लो, हम पेमेंट कर दे रहे, चलो ले लीजिए। इतने भी महंगे कपड़े नहीं अच्छे लग रहे। तो फाइनली आज देश फ्री भी घूम लिया, आंखों में कैप्चर कर ली मेमोरीज, और अब यहाँ बैठ के गप्पे छप्पे मार रहे हैं कि अब खाने में क्या है। मैकडोनल्ड खाए, डोमिनोज खाए, मम्मी कह रही है बाहर खाए। चलिए फिर बाहर ही खाते हैं, मम्मी जो कहेंगे वही करा जाएगा, बाहर ही खाते हैं। धीमी धीमी मम्मी को भी बुला रहे हैं, मैकडोनल्ड्स का टेस्ट सब करवाएंगे धीमी धीमी करके। मगर हाँ बहुत अच्छा लग रहा है रेव थ्री आके यहाँ पे। हाँ सुकून, हाँ खाली खाली चाय, पूरा खाली खाली चाय, जेड स्क्वायर में पूरा भरा पड़ा एकदम, चारों तरफ से आवाजें आ रही है। बिग बाजार में थोड़ी सी कम है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बहुत कम है। अगर आप लोग कपल हैं तो आप लोग आ सकते हैं बड़ी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मिडिल क्लास फैमिली आई, घूमी, पता करा और चलती बनी। लेकिन मेरा मोटिव था कि आपको वो दिखाएं, वीआर गेमिंग क्या है, कैसा है, क्या सेटअप है, क्या चार्जेस हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएं। बाकी तो मैं दिखाई दिया, मगर मेरा जो मेन मोटिव था वो वीआर गेमिंग आपको दिखाने का। और मम्मी आ गई तो और अच्छा लगा। मम्मी कैसा लगा रेव थ्री आपको? ये बंदा में तो अलग ही बैठा रहता है, इसको कोई मतलब ही नहीं है। चलो कहीं खाने चलते हैं। मैकडोनल्ड और पिज्जा खाने का मन नहीं कर रहा था मेरा, अगर हम सही बताएं आपको। अभी मेरा मन कर रहा था KFC खाने का, कुछ नॉनवेज। हम यहाँ पे आए हैं KFC, अब यहाँ पे KFC देखते हैं क्या है, फिर खाते हैं। अब हम यहाँ पे ऑर्डर करने वाले हैं, बहुत कैसा मिला? 4 रुपए का 5 पीस, ठीक है। अरे भैया होंठ लाल हो गए, मम्मी बहुत मिर्चा दी, लेकिन अब पेट नहीं भरा ना मन भरा, तो नॉनवेज हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं पिज्जा खाने, पूरा पार्टी का डंडा, पूरा पार्टी का डंडा। रेप थ्री हम जा रहे थे, ये लोग अपने आप लट गए। अब मम्मी लोग आई है इसलिए हम लोग यहाँ पे KFC भी खा रहे हैं, पिज्जा भी खा रहे हैं। अगर हम अकेले आते तो अकेले का घूमेंगे, साइड के निकल लेते हम। और एक्चुअली मजा तभी आता है जब फैमिली अपने साथ। फाइनली अब आ गए हैं पिज्जा हट, यहाँ पे पिज्जा ट्राई करते हैं एक बार। आज तक हम पिज्जा हट भी नहीं आए, सारी चीजें नई नई है, बस KFC बहुत बार आए हैं, पिज्जा हट पहली बार आए हैं। अब बताइए पिज्जा हट में क्या खाना है, कौन सा पिज्जा तुम बताओ, मतलब हमें को डिसाइड करना पड़ेगा। भैया जितना मुर्गा और पिज्जा खाया था सब निकल गया, सब्जी ले रहे हैं।